हेलो बच्चों क्लास सेवन मैथमेटिक्स चैप्टर फोर सिंपल इक्वेशंस, पार्ट टू आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वलिटी है जैसे एट माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर प्लस वन इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की ही वैल्यू फाइव फाइव आ रही है इफ़ वी एड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वालिटी इट्स टोल्स होल्ड्स अगर आप किसी इक्वालिटी में दोनों तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर सेम नंबर एड करते हैं तो इक्वलिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता फॉर एग्जाम्पल इसी में मैंने दोनों तरफ प्लस टू कर दिया इक्वेसन में कोई चेंज नहीं आएगा इट रिमेन्स सेम इफ यू सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एंड इक्वलिटी स्टिल होल्ड्स अगर आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इक्वालिटी सेम रहती है सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दोनों साइड को विद द सेम नॉन जीरो नंबर इक्वलिटी स्टिल होल्ड्स सो वी आर यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन टू सेपरेट दिएबल्स फॉर सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व दीज गिवन सिंपल लेट अस टेक एन एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है थ्री एन प्लस सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम वेरिएबल को सेपरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से ही सेवन सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम सेवन सप्ट्रैक्ट करेंगे सो थ्री एन प्लस सेवन माइनस सेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन अब लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पर सेवन माइनस सेवन तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ थ्री एन बचेगा सो वी विल गेट थ्री एन इज इक्वल टू एटीन अब हमें एन को थ्री से सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे वी विल डिवाइड बाई थ्री ऑन बोथ द साइड्स सो जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे विल हैव थ्री एन बाय थ्री इज इक्वल टू एटीन बाय थ्री अब थ्री एन बाई थ्री में तो थ्री कैंसिल हो जाएगा और एटीन बाई थ्री में भी थ्री कैंसिल हो जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा एन इज इक्वल टू सिक्स तो जब भी आपको वेरिएबल सेपरेट करना है तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर प्लस में है नंबर तो आपको सप्ट्रैक्शन करके सेपरेट करना पड़ेगा अगर माइनस में है नंबर तो आपको एडिशन करके सेप्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जस्ट अपोजिट सिंबल्स आपको यूज करने हैं फॉर सेपरेटिंग सिमिलरली इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तो आपको डिवाइड करके सेपरेट करना है और अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर वन गिव फर्स्ट The step you will use to separate the variables and then solve the equation. The first equation is x minus 1 is equal to 0. Hame x minus 1 given hai. X ke hame minus 1 hatana hai hum kya hum here plus 1 karinge. So adding 1 to both the sides. When we add 1, we get. X माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन अब यहाँ पे माइनस वन और प्लस वन तो कैंसिल हो जाएंगे ज़ीरो बन जाएगा सो लेफ्ट हैंड साइड पर केवल x बचेगा और राइट हैंड साइड पर ज़ीरो प्लस वन इज़ वन सो विल गेट x इज इक्वल टू वन सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू वन और वी कैन से x इज इक्वल टू वन सेटिस्फाइज दिस सिंपल इक्वेशन नाउ कम टू बी पार्ट बी में हमारे पास है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो नाउ वी हैव प्लस वन हेयर तो प्लस वन को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे सो विल सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से हमें वन सब्ट्रैक्ट करना है सो विल गेट एक्स प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो माइनस वन तो लेफ्ट हैंड साइड में वन माइनस वन कट जाएगा जीरो हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर जीरो माइनस वन की वैल्यू आएगी माइनस वन सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एज द सोल्यूशन थर्ड पार्ट में वी हैव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव अब यहां पर एक्स के पास माइनस वन है सो सेपरेट करने के लिए वी हैव टू एड वन सो विल एड वन टू बोथ द साइड वी विल गेट x माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू फाइव प्लस वन सो माइनस वन और प्लस वन तो जीरो बन जाएंगे और राइट हैंड साइड में फाइव प्लस वन विल गिव यू सिक्स सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू सिक्स D वी हैव x प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू अब x के पास सिक्स है प्लस सिक्स तो हमें सेपरेट करने के लिए माइनस सिक्स करना पड़ेगा सो वॉट वी विल डू सब्ट्रैक्टिंग सिक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स तो जब आप सिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू माइनस सिक्स अब लेफ्ट हैंड साइड पर तो सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो हो जाएगा केवल एक्स बचेगा और राइट हैंड साइड पर टू माइनस सिक्स की वैल्यू आएगी माइनस फोर सो विल गेट द सोल्यूशन एक्स इज ईक्वल टू माइनस फोर वी हैव वाई माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस सेवन अब वाई के पास माइनस फोर है तो इसे सेपरेट करने के लिए हमें प्लस फोर करना पड़ेगा सो एडिंग फोर टू बोथ द साइड्स आप फोर एड करेंगे यू विल गेट वाई माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस फोर अब माइनस फोर और प्लस फोर तो कट जाएंगे अब राइट हैंड साइड में वी हैव माइनस सेवन प्लस फोर और इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा माइनस थ्री सो आर आंसर इज वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एफ में वी हैव वाई माइनस फोर इज इक्वल टू फोर इसमें वाई के साथ माइनस फोर है तो इसे सेपरेट करने के लिए हमें फोर ऐड करना पड़ेगा सो एडिंग फोर टू बोथ द साइड्स y माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू फोर प्लस फोर तो माइनस फोर और प्लस फोर तो कट जाएंगे जीरो बन जाएगा तो y के साथ जीरो बचा और फोर प्लस फोर एड होकर फोर एट बन जाएगा सो विल गेट y इज इक्वल टू एट जी पार्ट में वी हैव y प्लस फोर इज इक्वल टू फोर इसमें वाई प्लस फोर है सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फोर फ्रॉम बोथ द साइड्स जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर वी विल गेट वाई प्लस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू फोर माइनस फोर एंड फोर माइनस फोर गिव्स यू जीरो सो योर सोल्यूशन इज वाई इज ईक्वल टू जीरो एच वी हैव वाई प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर यर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फोर अगेन तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट वाई प्लस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस फोर लेफ्ट हैंड साइड पर तो फोर माइनस फोर जीरो बन जाएगा केवल वाई बचेगा और राइट हैंड साइड में माइनस फोर माइनस फोर अब माइनस फोर माइनस फोर इन टीचर्स के आपको रूल्स याद हैं जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं हमें हम यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट विल रिमेन नेगेटिव ओनली सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में माइनस माइनस प्लस बनता है यहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम सो इट रिमेन्स माइनस एट ओके सो आपका सोल्यूशन है वाई इज इक्वल टू माइनस एट क्वेश्चन नंबर टू गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स देन सॉल्व द इक्वेशन इसमें भी हमें वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं फर्स्ट पार्ट यू हैव बिन गिवन थ्री एल इज इक्वल टू फोर्टी टू इसमें एल के साथ थ्री मल्टीप्लिकेशन में है तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे बाय थ्री क्योंकि थ्री के साथ मल्टीप्लाई है तो उसे रिमूव करने के लिए कोर्स हम थ्री से डिवाइड करेंगे सो डिवाइडिंग बाय थ्री ऑन बोथ द साइड्स थ्री एल बाय थ्री इज टू फोर्टी टू बाय थ्री अब थ्री एल बाय थ्री में तो थ्री और थ्री ऊपर नीचे कट जाएंगे और सिर्फ एल बचेगा और फोर्टी टू को हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमें फोर्टीन मिलेगा सो और आंसर इज एल इज इक्वल टू फोर्टीन बी पार्ट में हमारे पास है बी बाई टू इज इक्वल टू सिक्स यहाँ पर बी बाय टू है डिवाइड बाई टू तो उसे सेपरेट करने के लिए हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो मल्टीप्लाइंग बाय टू ऑन बोथ द साइड्स हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट बी बाई टू इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स इंटू टू अब b बाय टू और इंटू टू करेंगे तो वो टू और टू तो कट जाएंगे सिर्फ b बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर सिक्स इंटू टू इज ट्वेल्व सो आपका आंसर मिलता है b इज इक्वल टू ट्वेल्व सी पार्ट में वी हैव पी बाय सेवन इज इक्वल टू फोर इसमें

वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें फ़ोर से डिवाइड करना पड़ेगा सो विल राइट डिवाइडिंग बाय फोर ऑन बोथ द साइड्स फोर एक्स बाय फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाय फोर अब फोर एक्स बाय फोर तो फोर फोर कट जाएगा लेकिन ट्वेंटी फाइव और फोर डिवाइड नहीं हो पाएंगे सो विल हैव टू राइट एक्स इज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाय फोर आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इज ईक्ल टू सिक्स वन बाय फोर वी हैव एट वाई इज ईक्वल टू थर्टी सिक्स इसमें हमें ऐट से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एट वाई है एट इन टू वाई तो इसमें हमें एट से डिवाइड करना पड़ेगा जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है हमें वही ऑपरेट करना पड़ता है सो विल भी डिवाइडिंग बाय ऐट ऑन बोथ द साइड्स एट वाई अपॉन एट इज ईक्ल टू थर्टी सिक्स बाय ऐट तो वी विल गेट द आंसर वाई इज ईक्वल टू नाइन बाय टू क्योंकि थर्टी सिक्स और एट दोनों फोर से कट जाएंगे तो विल गेट नाइन बाई टू और नाइन बाई टू को सिम्पलीफाई करके वी कैन राइट फोर वन बाई टू सो आर सोल्यूशन राइट फोर एफ वी हैव जेड बाई थ्री इज इक्वल टू फाइव बाई फोर यहाँ पे जेड बाई थ्री है डिवाइड बाई थ्री है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई टू द वेरिएबल्स मल्टीप्लाइंग बाई थ्री ऑन बोथ द साइड्स

वैल्यू ऑफ जेड इज फि और इट कैन बी रिटर्न एज थ्री थ्री बाय फोर जी वी हैव ए बाय फाइव इज इक्वल टू सेवन बाय फिफ्टीन इसमें ए बाय फाइव है तो सेपरेट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय फाइव सो वील बी मल्टीप्लाइंग बाय फाइव ऑन बोथ द साइड ए बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव इज इक्वल टू सेवन बाई फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाय फाइव सो ए बाय फाइव और ए फाइव तो कट जाएंगे सेवन बाई फिफ्टीन और फाइव में कटेगा जरूर लेकिन डिनोमिनेटर में थ्री बचेगा क्योंकि फिफ्टीन में फाइव थ्री टाइम्स जाता है सो विल गेट ए इज इक्वल टू सेवन बाय थ्री और सेवन बाई थ्री को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं टू वन बाय थ्री एच पार्ट वी हैव ट्वेंटी टी इज इक्वल टू माइनस टेन अब टी के साथ ट्वेंटी है तो हमें ट्वेंटी से ही डिवाइड करना पड़ेगा सो डिवाइडिंग बाय ट्वेंटी ऑन बोथ द साइड्स ट्वेंटी टी बाय ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस टेन बाय ट्वेंटी तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ट्वेंटी ट्वेंटी कट जाएंगे राइट हैंड साइड पर सिर्फ जीरो कटेगा तो so, आपको आंसर मिलेगा टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू क्वेश्चन नंबर थ्री गिव द स्टेप्स यू विल यूज to सेपरेट the वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व the इक्वेशन a 3n एन माइनस टू इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह का कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले हम माइनस टू को इसमें सेपरेट करेंगे जब भी प्लस माइनस वाला टर्म होता है उसे पहले सेपरेट करते हैं और बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड वाले टर्म को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस टू है इसे सेपरेट करने के लिए हमें प्लस टू करना पड़ेगा सो एडिंग टू ऑन बोथ द साइड्स विल हैव थ्री एन माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स प्लस टू तो माइनस टू और प्लस टू तो कट जाएंगे विल हैव थ्री एन इज टू फोर्टी एट क्योंकि फोर्टी सिक्स प्लस टू करके हमें फोर्टी एट मिल रहा है अब थ्री एन है दैट मीन्स थ्री इन एन विल बी डिवाइडिंग

इसमें भी हम पहले प्लस सेवन को सेपरेट करेंगे तो प्लस सेवन को सेपरेट करने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सेवन फ्रॉम बोथ द साइड्स सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेवन विल गेट फाइव एम प्लस सेवन माइनस सेवन इज इक्वल टू सेवनटीन माइनस सेवन सो लेफ्ट हैंड साइड में तो सेवन माइनस सेवन जीरो बन जाएगा विल हैव फाइव एम इज ईक्ल टू टेन क्योंकि सेवनटीन माइनस सेवन करके हमें टेन मिलता है अब यहाँ पे फाइव एम है दैट मींस फाइव इन टू एम तो यहाँ पर सेपरेट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे सो डिवाइडिंग बाय फाइव ऑन बोथ द साइड फाइव एम बाय फाइव इज इक्वल टू टेन बाई फाइव जब आप इसे काट के सिंपलीफाई करेंगे यू विल गेट एम इज इक्वल टू टू सी वी हैव ट्वेंटी पी बाय थ्री इज इक्वल टू फोर्टी इसमें पहले हम बाय थ्री को सेपरेट करते हैं तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाय थ्री ऑन बोथ द साइड्स सो ट्वेंटी पी बाय थ्री इंटू थ्री इज ईक्ल टू फोर्टी इंटू थ्री तो लेफ्टाइड में थ्री तो और थ्री कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा ट्वेंटी पी इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी अब अगले स्टेप में ट्वेंटी पी को सेपरेट करने के लिए हम इसे ट्वेंटी से डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय ट्वेंटी ऑन बोथ द साइड्स वी विल हैव ट्वेंटी पी बाय ट्वेंटी इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी बाय ट्वेंटी तो जब हम इसे कैंसिल करके सिंप्लीफाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा p इज इक्वल टू सिक्स डी वी हैव थ्री पी बाय टेन इज इक्वल टू सिक्स तो यहां पे पहले इस बाय टेन को सेपरेट कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे वी विल multiply बाय टेन ऑन बोथ द साइड्स तो थ्री पी बाय टेन मल्टीप्लाई बाय टेन इज इक्वल टू सिक्स इंटू टेन अब थ्री पी बाय टेन और इंटू टेन में तो टेन कट जाएगा तो आपके पास बचेगा थ्री पी इज इक्वल टू सिक्सटी क्योंकि सिक्स इंटू टेन सिक्सटी होता है अब यहाँ पर हमें थ्री और पी को सेपरेट करना है सो वील डिवाइड बाय थ्री सो डिवाइडिंग बाय थ्री ऑन बोथ द साइड वी विल हैव थ्री पी बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्सटी बाय थ्री तो थ्री पी बाय थ्री में तो थ्री थ्री कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा पी इज इक्वल टू ट्वेंटी क्योंकि सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री इज ट्वेंटी तो आपको आंसर मिल रहा है p इज इक्वल टू ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन p इज इक्वल टू हंड्रेड इसमें टेन p है मल्टीप्लाई में है तो सेपरेट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय टेन ऑन बोथ द साइड्स टेन पी बाय टेन इज इक्वल टू हंड्रेड बाई टेन वेन वी डिवाइड वी गेट पी इज इक्वल टू टैन बी वी हैव टेन पी प्लस टेन इज इक्वल टू हंड्रेड तो पहले हम प्लस टेन को सेपरेट करेंगे फॉर दैट सप्रेक्टिंग टेन फ्रॉम बोथ द साइड टेन पी प्लस टेन माइनस टेन इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस टेन सो वी विल गेट टेन पी इज इक्वल टू नाइंटी अब हमें टेन और पी को सेपरेट करना है तो वी विल डिवाइड बाय टेन तो जब आप डिवाइड करेंगे टेन पी बाय टेन इज इक्वल टू नाइन्टी बाय टेन 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 ऊपर नीचे कट जाएगा और नाइन्टी और टेन में भी जीरो कट जाएगा तो वी विल हैव पी इज इक्वल टू नाइन तो पी इज इक्वल टू नाइन गिव्स यू द सोल्यूशन टू दिस गिवन इक्वेशन सी पार्ट में वी हैव p बाय फोर इज इक्वल टू फाइव इसमें वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वी विल हैव p बाय फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर अब फोर और फोर तो कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा p इज इक्वल टू ट्वेंटी क्योंकि फाइव इंटू फोर ट्वेंटी होता है तो आपको आंसर मिल गया p इज इक्वल टू ट्वेंटी डी वी हैव माइनस पी बाय थ्री इज ईक्वल टू फाइव तो इसमें वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पी के साथ माइनस सिंबल है उसे भी तो हटाना है तो हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं सो माइनस पी बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री इज इक्ल टू फाइव इंटू माइनस थ्री अब लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और थ्री और थ्री ऊपर नीचे कट जाएगा तो आपके पास बचेगा पी इज इक्ल टू माइनस फिफ्टीन पी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन इज द सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन ई वी हैव थ्री पी बाय फोर इज इक्वल टू सिक्स इसमें पहले हम फोर को सेपरेट करेंगे इसलिए वील मल्टीप्लाई बाय फोर थ्री पी बाय फोर इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्स इंटू फोर जब ऊपर नीचे फोर कट जाएगा विल हैव थ्री पी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर क्योंकि सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर होता है अब हमें थ्री को सेपरेट करना है तो विल डिवाइड बाय थ्री ऑन बोथ द साइड्स। थ्री पी बाय थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर बाय थ्री यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो थ्री और थ्री कट जाएंगे और राइट हैंड साइड में ट्वेंटी फोर को जो हम थ्री से डिवाइड करते हैं वी गेट एट सो द आंसर इज पी इज इक्वल टू एट एफ वी हैव थ्री एस इज इक्वल टू माइनस नाइन इसमें हमें थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय थ्री ऑन बोथ द साइड विल हैव थ्री एस बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस नाइन बाय थ्री लेफ्ट हैंड साइड पर तो थ्री और थ्री कट जाएंगे और राइट हैंड साइड पर माइनस नाइन और थ्री डिवाइड हो जाएंगे सो वी विल गेट द आंसर एस इज इक्वल टू माइनस थ्री जी वी हैव थ्री एस प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो इसमें पहले इस प्लस ट्वेल्व को सेपरेट करने के लिए हम ट्वेल्व सप्ट्रैक्ट करेंगे सो सप्ट्रैक्टिंग ट्वेल्व ऑन बोथ द साइड्स, थ्री एस प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो माइनस ट्वेल्व सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ट्वेल्व और ट्वेल्व कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ थ्री एस बचेगा सो वी विल हैव थ्री एस इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व अब थ्री एस में से थ्री और एस को सेपरेट करना है तो हमें इसे थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा सो डिवाइडिंग बाय थ्री ऑन बोथ द साइड्स थ्री एस बाय थ्री इज टू माइनस ट्वेल्व बाई थ्री इसमें ऊपर नीचे थ्री और थ्री तो कट जाएगा और माइनस ट्वेल्व भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा सो ऑन डिवाइडिंग वी गेट माइनस फोर सो और आंसर इज एस इज इक्वल टू माइनस फोर एच वी हैव थ्री एस इज इक्वल टू जीरो इसमें थ्री एस है तो वी हैव टू डिवाइड बाई थ्री डिवाइडिंग बाय थ्री ऑन बोथ द साइड्स थ्री एस बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो बाई थ्री लेफ्ट हैंड साइड पर तो थ्री और थ्री कट जाएगा सिर्फ एस बचेगा राइट हैंड साइड में वी हैव जीरो डिवाइड बाय थ्री अब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करिए आंसर रिमेन्स जीरो सो आपको सोल्यूशन मिलता है एस इज इक्वल टू जीरो सो रिक्वायर्ड आंसर इज एस इज इक्वल टू जीरो आई वी हैव टू क्यू इज इक्वल टू सिक्स इसमें टू क्यू है टू को हमें सेपरेट करना है सो विल डिवाइडिंग बाय टू ऑन बोथ द साइड्स टू क्यू बाय टू इज इक्वल टू सिक्स बाई टू सो आंसर गेट क्यू इज इक्वल टू थ्री जे वी हैव टू क्यू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो पहले इस माइनस सिक्स को सेपरेट करना है सो विल एड सिक्स टू बोथ द साइड्स टू क्यू माइनस सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस सिक्स सो माइनस सिक्स और प्लस सिक्स तो कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ ज़ीरो बचेगा सो विल हैव टू क्यू इज इक्वल टू सिक्स अब हमें टू से डिवाइड करना पड़ेगा सो डिवाइडिंग बाय टू ऑन बोथ द साइड टू क्यू बाय टू इज इक्वल टू सिक्स बाय टू इसमें टू क्यू और टू तो टू कैंसिल हो जाएंगे और सिक्स बाय टू में डिवाइड होकर हमें थ्री मिलेगा सो योर आंसर इज क्यू इज इक्वल टू थ्री के वी हैव टू क्यू प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट सिक्स टू सेपरेट द वेरिएबल्स सो विल हैव टू क्यू प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज ईक्वल टू ज़ीरो माइनस सिक्स सो ऑन कैंसलिंग सिक्स सिक्स माइनस सिक्स जीरो होगा तो हमें मिलेगा टू क्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स अब हमें टू से डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय टू वी विल गेट टू क्यू बाय टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाय टू तो यहाँ पर टू और तो कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर मिलेगा क्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री ए एल पार्ट में आपके पास है टू क्यू प्लस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व पहले हम प्लस सिक्स को सेपरेट करने के लिए सप्रैक्ट करेंगे सिक्स सो सप्ट्रैक्टिंग सिक्स फ्रॉम बोध द साइड विल हैव टू क्यू प्लस सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस सिक्स अब सिक्स माइनस सिक्स तो जीरो है तो यहाँ से टू क्यू बच रहा है सो टू क्यू इज इक्वल टू सिक्स क्योंकि ट्वेल्व माइनस सिक्स करने पर भी हमें सिक्स मिलता है नाउ टू सेपरेट टू एंड क्यू वी हैव टू डिवाइड बाय टू सो ऑन डिवाइडिंग बाई टू ऑन बोथ द साइड्स वी गेट टू क्यू बाय टू इज ईक्वल टू सिक्स बाय टू सो ऑन सिम्प्लीफाइंग विल गेट क्यू इज इक्वल टू थ्री तो आपको क्यू जीरो थ्री आंसर मिल गया और हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी अंटिल देन बाय